नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक। वो टॉपिक का नाम है फ्रेसेस फॉर टेलिंग समवन टू वेट, यानी दूसरे के लिए इंतज़ार करने के लिए हम जो जो अलग अलग प्रकार के जो शब्दों या अलग अलग प्रकार के जो वाक्य यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, यानी फ्रेसेस हम यूज़ करते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सो कुड यू गिव मी ए मिनट, मतलब क्या एक मिनट आप वेट कर सकते हो या तो क्या आप एक मिनट रुक सकते हो बोल के। दूसरा जो है इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक हम जो बात करते हैं, यानी अनऑफिशियल वगैरह, सो हैंग ऑन ए सेकंड, मतलब एक सेकंड रुको या तो एक सेकंड रुकिए बोल के, तो जस्ट ए सेकंड जो हम बोलते हैं यूजली। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब एक मिनट रुको या तो एक सेकंड रुको बोल के, इसका मतलब भी वही होता है दोस्तों। लेट मी सी या तो थिंक, मतलब ठीक है देखेंगे बाद में, या तो थोड़ा मैं सोचता हूँ इसके बारे में, तब तक आप इसको आप तो इंतज़ार कीजिए इसका मतलब। आई विल बी राइट विथ यू, मतलब मैं ठीक है मैं मानूंगा लेकिन थोड़ा अभी रुकिए, इसका मतलब होता दोस्तों। बियर विथ मी, यानी धैर्य रखने के लिए अनुरोध कर, इसका मतलब बियर विथ मी का मतलब होता है यहाँ पे, सो धैर्य रखने के लिए अनुरोध कर रहे हैं यहाँ पे। सेवेंथ वन जो है दैट विल हैव टू वेट, मतलब इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इसका मतलब जो भी चीज़ है या जो भी हम जो करना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। एट्थ वन जो है सो बी पेशेंट, यानी धीरज रखो या तो धीरज रखिए, इसका मतलब होता और थोड़ा मतलब रुकिए और थोड़ा पेशेंस रखिए बोल के, इसका मतलब। नॉट सो फास्ट, मतलब इतना शीघ्र नहीं, इतना फास्ट भी नहीं करना है, मतलब थोड़ा आराम से करेंगे, यानी थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, थोड़ा वेट करके करेंगे, इसका मतलब होता दोस्तों। और जो लास्ट वन जो है टेंथ वाला, होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब होता खुद को संभालो, मतलब इतना भी फास्ट मत करो, इतना भी मतलब जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करो, इसका मतलब होता दोस्तों। तो ये था दोस्तों 10 कॉमन फ्रेसेस फॉर टेलिंग समवन टू वेट, यानी किसी को हम इंतज़ार करने के लिए या तो वेट करने के लिए हम जो बोलते हैं, तो ये अलग अलग जो प्रकार के जो सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं आमतौर के ऊपर कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये था स्मॉल टॉपिक आज का दोस्तों। और अगला वीडियो के अंदर मैं नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और अपना इंग्लिश का जो ज्ञान है इम्प्रूव करते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद।